हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं आरके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति। एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस को आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन प्यार से मिलती रहे, ठीक है, टाइमली मिलती रहे सभी को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के बहुत ही शानदार, धमाकेदार, ईमानदार इस सेशन को। ठीक है, मैं और हमारे प्यारे संदीप सर, ठीक है, मिल करके सेशन को शुरू करेंगे। सामने बैठ के खिलखिला के स्माइल करते हुए आपकी कमेंट पढ़ रहे हैं हमारे सर। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन को बच्चे। यहाँ से आपका टॉपिक यानी कि जो कल आपने खत्म किया था यानी एडजेक्टिव वाला पार्ट, अब उसके आगे हम इसको करने जा रहे हैं बच्चे कंटिन्यू। ठीक है, ये आज आपका एडजेक्टिव का तीसरा पार्ट यानी कि लेवल 3 हम कह सकते हैं इसको, कि आज हम इसको करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार सभी बच्चे ये बता दीजिए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, यस और नो एक बार कमेंट कीजिए। धन्यवाद 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 दिलशाद जी, धन्यवाद। ओके, चार बूंदों वाला उजाला, चलो उजाला सफेदी, दिलशाद गार्डन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए तो देखो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, कहां तक चीजें हो गई थी, आज उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी। हाँ देखिए, काफी सारे इसमें मैंने मतलब समझ लो कि इसका 90% तो मैंने प्रोनाउन के टाइम में ही एडजेक्टिव को कर दिया था खत्म। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत बचा खुचा पार्ट था, राइट, जो मतलब इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा कंसेंट आना था, वो अब आप लोगों का यहाँ पे मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां तक हमने कर लिया था लास्ट क्लास में कि अगर कभी भी एज सो दैट कुछ भी इस तरीके का अगर वर्ड आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो ऐसे में जो बीच में एडजेक्टिव का यूज करोगे दैट विल बी योर पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, जैसे चीप, चीपर, चीपेस्ट, हाई, हाइयर, हाइएस्ट। हाँ चलिए, सभी बच्चे आ जाइए, देखते हैं कौन कौन आ गया है। अर्णव दत्ता धन्यवाद, कंचना आनंद, अंकिता तिवारी, अच्छा दो दो है, एक ही है, मैंने दो बार पढ़ लिया, कोई बात नहीं। अंकिता तिवारी, प्रिया ताखी, चलिए चलिए, और कौन बच्चा आया है, काजल आ गई है, सुप्रिया, उसके बाद ठीक है आते जाओ, श्रुति, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे क्लास में जुड़ा कीजिए, ऐसा नहीं कि दो है दो नहीं है, ऐसा मत किया करो। ठीक है, सभी बच्चे किया के कीजिए। ठीक है, ओके, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, रेनू, भास्कर, प्रिया, नेहा, श्रुति, खुशबू, नितिका, ये कौन सा कान, मुस्कान, खुशी, लवलीन, अंकिता, देवानंद भांजा, गजब नाम है भैया। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सेशन को, बहुत ही जोरदार धमाकेदार यहाँ था। देखो, द 3 लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वर्थ रीडिंग। देखो, वर्थ रीडिंग का मतलब जानते हो क्या होता है, वर्थ रीडिंग का मतलब क्या होता है, एक मिनट माइक को मैं अपने यहाँ फिट ही कर देता हूँ, वरना आपको आवाज कभी कम आएगी कभी ज्यादा आएगी। एक मिनट, आवाज की ये कम ज्यादा जो फ्लक्चुएशन हो रही है ना, इसको मैं अब रिजोल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको आवाज सही आएगी। मैं एक्चुअली जब पढ़ाने यहाँ पहुंच जाता हूँ तो आपको शायद आवाज कम आती होगी, और जब पास आके पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा आ रही होगी, है ना, तो अब आवाज को थोड़ा सा सही हो जाएगा। राइट, नवाब शिवम, हम तो दिखते ही नहीं सर को, सर जी गुरु जी पाए लागू, चलिए आप भी दिख गए हमें। ओके, काजू भी आ गई है, सारे बच्चे आ चुके हैं। देखो यहाँ पे द 3 लास्ट जो लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक आपकी बहुत ही शानदार मिस्टेक मिलेगी, और जिससे कि आप आराम से निपटा भी सकते थे। देखो किस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, जैसे द टू फर्स्ट कैंडिडेट्स ऑफ माई रो या ऑफ माई क्लास, द टू फर्स्ट कैंडिडेट्स ऑफ माई क्लास इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखो ऑनेस्ट इंटेलिजेंट है यहां पे, अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ बेटा, सबका नाम लेने लगूंगा तो आधा घंटा नाम ही लेने में निकल जाएगा। आप सभी को प्यार से, दिल से आई लव यू, ठीक है, दिल से आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों ने वहां से अपने प्यार भेजे, मैंने अपने आपके प्यार यहां ले लिए, एक्सेप्ट कर लिया आप सबके प्यार। ठीक है, इतने प्यारे प्यारे जो दिल इमोजी भेज रहे हैं, लेकिन सबका एक एक करके नाम ले पाना, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो प्लीज रोने की बात नहीं कीर्ति, राइट, तो आप सबका प्यार मेरे तक पहुंच चुका है। राइट, ओके, लव यू ऑल, लव यू ऑल। अब जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक पे क्लिक जरूर कीजिए।
देखो द टू फर्स्ट फर्स्ट कैंडिडेट्स ऑफ माय क्लास इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। देखो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक देखो कहां पे मिल जाएगी आपको, दो 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 जगह मिस्टेक है। पहली चीज तो ये बच्चे, पहली चीज तो ये यहाँ पे कि हमारे पास जो ये इजमार आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप ये थोड़ा सा समझिएगा बेटा। आप शायद आज आपकी आप पहली पहले दिन आए हो, ये एडजेक्टिव की तीसरी क्लास है, राइट। तो बीच की क्लास में आकर के अगर आप ये कहें कि सर जी बिल्कुल स्टार्टिंग से कराओ तो वो पॉसिबल नहीं है ना, आप पिछले वाली क्लास देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास द टू फर्स्ट कैंडिडेट्स, यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास ये हो गया सब्जेक्ट वन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा माई क्लास, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट टू, राइट। और बीच में क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। और आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास ये ऑफ से यानी कि कोई भी प्रेपोजिशन से अगर हम इसको जोड़ते हैं, प्रेपोजिशन से अगर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना था कि ये इज नहीं आर लगाओ, यानी कि इसे प्लूरल बनाओ। पहली चीज तो ये, एक गलती तो ये मिल गई। दूसरा पॉइंट, एक और जो मिस्टेक बची है वो क्या है, वो यहां पे मिलेगी। इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको, देखिए इसको मैं ऐसे बताता हूं आपको, जरा समझिएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक एडजेक्टिव कहा आपको, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। देखो दो प्रकार से ये न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे, दो प्रकार से न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। एक तो होता है बेटा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, क्या बोला मैंने, एक तो होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, और दूसरा होता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये दो तरीके के हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो होता है बच्चे, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। क्या बोला मैंने, एक होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल, ठीक है, कार्डिनल ऑर्डिनल। इनडेफिनेट के ज्यादा पार्ट्स नहीं होते, अकेला ही होता है, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने ये आप लोगों ने सुना होगा कार्डिनल और ऑर्डिनल वाली चीजें, कि कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, ठीक है, वन टू थ्री फोर या फर्स्ट सेकंड थर्ड, सारा अभी बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कभी भी नंबर्स को एक्चुअल नंबर के फॉर्म में बोले, डिजिट के फॉर्म में, जैसे मैंने कहा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब कुछ भी सेवन एट, है ना, कुछ भी अगर हमने इस सेंस में बात को बोला, तो ये हमारा कार्डिनल। लेकिन अगर हम उसी चीज को किस वे में बोले, तो हमने नंबर के नहीं, हमने किस वे में बोला, अब इसको थोड़ा सा पोजिशन के वे में, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि इस तरीके से हमने इसको रखा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या कुछ भी ऐसा, ठीक है, लास्ट। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे क्या बेटा, ऑर्डिनल्स, ठीक है। मतलब नंबरिंग ये भी दिखा रहे हैं, लेकिन बेटा ये क्या है, ये क्या है, हमारे पोजीशन दिखाने वाले शब्द हैं, ठीक है। देखो जवाब मेरे बच्चे खुद ही दे देते हैं उन बच्चों को, देखो सही कहा इन्होंने कि बेटा आप जो है प्रोनाउन की पहले तो वो मैराथन वाली क्लास देख लो, आपको काफी हद तक एडजेक्टिव वहां क्लियर हो जाएगा, सक्सेस 72 जो भी आपका नाम है, सक्सेस 72, राइट। और उसके बाद आपकी जिससे पहले दो क्लास निकली है वो देख लो, ठीक है। अब ये बीच क्लास में आकर के पूरी क्लास डिस्टर्ब करने का कोई फायदा नहीं होता है ना, कि सर स्टार्टिंग से कराओ, सर बीच से मत कराओ, ये सब चीजें। तो मैंने स्टार्टिंग से जो कराया तो आप नहीं आए, तो आपके लिए पूरी क्लास तो पीछे नहीं ले जा सकते, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कार्डिनल ऑर्डिनल ये दोनों बातें क्लियर है। इनडेफिनेट की बात करें तो यहां पे हमारे पास जैसे कि सम है, मैनी है, लॉट्स ऑफ है या अ लॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, अ गुड नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, या इसके अलावा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वो भी इसी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये सारी चीजें यानी कि ये तो हो गए हमारे कौन से, इनडेफिनेट। कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, अब कुछ का मतलब दो भी हो सकता है, पांच सात दस बीस पचास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई हैव सम, तो सम में आपको पता नहीं चल पाएगा अभी कितने की बात हो रही है, दो की, पांच की, दस की, बीस की। लेकिन अगर मैं डेफिनेट की बात करूं तो साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि मैंने कहा कि हमारे सत्या के पास तीन किताबें हैं, तो तीन किताबें हैं तो वहां पे थ्री, हमने साफ साफ उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्डिनल बन जाता है वो, राइट। अच्छा अब यहाँ पे सर ये एडजेक्टिव है कैसे, एडजेक्टिव आज तक तो हम इसको शायद नाउन पढ़ रहे थे, तो जरा मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, अपने सत्तू का ये एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा प्यारा सा मैंने एग्जाम्पल लिखा कि जैसे क्या, कि सत्या हैज टू, सत्या हैज टू।
अब अगर मैं इतना सेंटेंस लिख के छोड़ दूं तो भैया खतरनाक हो सकता है बात। सत्याधिकार सर ये क्या सर पूरा तो लिखो, मतलब अपने आप फील आ रहा है ना अधूरा भैया टू के बाद तो कुछ वो देखो हंस रहे आप। अब हमारे सत्तू भी हंस रहे सर जी क्या है टू मतलब क्या, टू के बाद तो लिखो तभी तो कहानी समझ में आएगी कि सत्या के बाद दो है। क्या है दो? तो सत्या के बाद दो क्या है? दो बुक हो सकती है, दो पेन हो सकता है, दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, दो समझ रहे हो। चलो यानी कि बेटा बिना नाउन के ये जो न्यूमरल वाले वर्ड्स हैं ये अधूरी मीनिंग देंगे, समझे? हाँ बिल्कुल, दो ललित हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बहुत बढ़िया ललित, तुम्हारी सबसे पहले तुम्हारी स्माइल आई। चलो टू कार्स हो सकता है, बहुत बढ़िया। ठीक है तो कहने का मतलब ये है, ये टीच इन्फिनिटी खुला हुआ है क्या? बार बार ये ओहो ये खुला हुआ है तभी मैं कह रहा हूँ ये बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। अब ठीक है चलो, तो मैंने आपको क्या बताया बेटा ध्यान से सुनिएगा। तो सत्या हैज टू बुक्स, तो यहां पे जो टू वाला शब्द है ना ये बिना नाउन के मतलब डिस्टर्ब करता आपको, राइट? डिस्टर्ब करता है कि ये टू क्या, मैंने कहा मेरे पास दो है। अब दो क्या हो भैया? दो बुक है, दो किताब पेन है, पेपर है, फ्रेंड है, क्या है? यानी कि इसके बाद नाउन जरूरी था, नाउन जरूरी, इसका मतलब ये हमारा बन गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का मतलब पक्का है कि ये हमारा कौन सा एडजेक्टिव होगा? जो नंबर दिखा है उसे न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया न्यूमरल में भी कौन सा डेफिनेट और डेफिनेट में भी कार्डिनल। अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास दोनों एक साथ आ जाए, दोनों एडजेक्टिव यानी कार्डिनल भी और ऑर्डिनल भी, कार्डिनल भी और ऑर्डिनल भी, अगर किसी सेंटेंस में आपके पास कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों एक साथ आ जाए तो आपको याद रखना कि कार्डिनल प्लस ऑर्डिनल नहीं होता, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल ऐसे लिखा जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सी प्लस ओ नहीं होता, ओ प्लस सी का यूज किया जाएगा। यानी पहले ऑर्डिनल होना चाहिए उसके बाद कार्डिनल होना चाहिए। ये सेंटेंस देखो द टू फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है? तो यहां पे आप जैसे कि समझ सकते हो कि यहां पे टू फर्स्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? टू फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहां पे हमारे पास पहले क्या लिखा है? कार्डिनल, और फिर लिखा है ऑर्डिनल। गलत हो गया, तो यहां पे इसको सही कैसे करेंगे? तो इसको एक काम करो, इसको पीछे, इसको आगे कर दो, तो सीधा इसको एक काम करो ना, यहीं से हटा के यहां लगा दो, बन गया सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारा ऐसा बन जाएगा, मैं नया लिख के दिखा देता हूं। सेंटेंस बनेगा द फर्स्ट टू कैंडिडेट्स, सॉरी टू है कितना है, फर्स्ट, द फर्स्ट टू, हाँ टू ही तो है, द फर्स्ट टू कैंडिडेट्स, ये आपका सही सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है? मतलब यहां से यहां तक अगर हम इसको पूरा भी काट दें तो आपका सेंटेंस ये सही होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एक बार कमेंट करके बता दो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर यहां तक क्लियर है मामला तो अब आपका क्वेश्चन देखो, द लास्ट थ्री चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, यहां पर सेंटेंस आया द लास्ट थ्री चैप्टर्स, तो द थ्री लास्ट लिखा था ना, तो द लास्ट थ्री चैप्टर, देखो मैं बोलने में भी कई बार जो है ना सही वाला ही सेंटेंस मुंह से निकल जाता है, इतना सेंटेंस को सही करने की आदत हो गई है कि गलत को भी कई बार मैं सही वाला करके ही पढ़ लेता हूं। द थ्री लास्ट नहीं होगा, द लास्ट थ्री चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वर्थ रीडिंग। आगे हाउ मेनी पेजेस डस शी रीड डेली, इसका कोई आंसर कर सकता है? एक बार जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। सर आपकी मैराथन कब होगी? बच्चे पूछ रहे सर जी मैराथन कब होगी? पूरा चकाचक क्लियर, ओके बहुत बढ़िया। मैं बता दूं मैराथन कब होगी? मेरी मैराथन होगी बेटा संडे सुबह 10 बजे, अभी हुई थी थोड़े दिन पहले, आपने देखा नहीं क्या? संडे सुबह 10 बजे, जुड़ना ना भूले वरना बेटा बहुत मारते हम। आंसर करो इसका जल्दी से। ठीक है कीजिए। ओके आप बेटा, अच्छा आंसर नहीं आ पा रहा कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं कि सर जी ये तो ठीक ठाक ही लग रहा है। ये बताइए जो डेली लिखा है ना ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, नई पड़ोसन है, मतलब क्या है? ठीक है बताओ जल्दी। और बेटा आंसर सबको करना है, आप सभी को हमारे सत्या की कसम आंसर सबको करना होता है। ठीक है सभी बच्चे कमेंट किया कीजिए, और लाइक पे जिस जिस बच्चे ने क्लिक नहीं किया है सभी बच्चे लाइक को जरूर क्लिक कर दे। ठीक है मैं देख रहा हूं बच्चे ज्यादा बैठे हैं लेकिन लाइक्स कम हो रखे हैं, जल्दी से लाइक पे क्लिक कर दीजिए सारे लोग। मैं देख रहा हूं सभी के कॉमेंट्स पे नजर है बेटा,
ठीक है। करो करो करो। एवरीबडी ओके 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 ओके। अब देखो मैं बता देता हूं आप लोगों से, बस मेरा इतना सा सवाल था कि ये जो डेली लिखा है वर्ड, ये जो डेली वाला वर्ड लिखा है बेटा, ये क्या है? और आप लोग बता रहे हो सर ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। मुझे पता है आप लोग ना इसी डिलम्मा में फंसे हुए हो कि सर बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, है करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, लिखिएगा ध्यान से सुनो। ये जो आपने इसको एडजेक्टिव बोला ऐसा या एडवर्ब बोला, इसको पूरा बात जान लो। देखो हाउ मैनी बुक्स, सेंटेंस क्या था आपका, चलो हाउ मैनी बुक्स डू यू पब्लिश ईयरली, ठीक है, कि वही तुम जो है एक साल का कितना बुक पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये मीनिंग आ रही है। अभी मेरा सवाल आपसे ये था कि बेटा ये बताओ कि ये जो यहाँ पे ईयरली लिखा है ये क्या है। अब आप में से कईयों ने ज्ञान चंद बनने की कोशिश करी, कईयों ने कहा कि सर यहाँ पे हमारे पास ये एडवर्ब है, कईयों ने कहा सर एडजेक्टिव है, कईयों ने कहा सर पता नहीं, कईयों ने कहा सर जी सत्तू की कसम, है ना, तो ऐसे ऐसे करके। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के। देखिए सारे एलवाई वाले शब्द एडवर्ब नहीं होते, बहुत से बच्चों ने इसको एडवर्ब बता दिया, क्या बोल दिया, एडवर्ब बता दिया। याद रखना सारे एलवाई वाले शब्द एडवर्ब नहीं होते, ठीक है, सारी सपना चौधरी नहीं होती है, हर प्रिया दर्शनी या एंजल नहीं होती है, ठीक है, और उसी तरीके से सारे सत्या सत्तु नहीं होते हमारे, समझे बात को, ठीक है, और उसी प्रकार से सारे बादाम कच्चे नहीं होते। तो यहाँ पे जो सारे एलवाई वाले शब्द होते हैं ना, ये सारे एलवाई जो होते हैं ये एडवर्ब नहीं होते हैं। लिख लो सारे लोग, लिख लो, बहुत काम की चीज है एलवाई केस। देखो बेटा अगर कभी भी आपके पास नाउन के साथ एलवाई जुड़े, क्या बोला मैंने, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर नाउन के साथ एलवाई जुड़े तो बेटा ये क्या बन जाता है, सारे लोग लिख लो, एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत ही जेन्युइन रूल है ये। और दूसरा पॉइंट, अगर एडजेक्टिव के साथ, अगर एडजेक्टिव के साथ एलवाई को जोड़ा जाए तो बेटा ये क्या बनता है, लिख लो सभी लोग, एडवर्ब। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर कभी भी नाउन के साथ एलवाई जुड़ता है तो बनता है ये एडजेक्टिव, सत्तू की कसम, अगर कभी भी नाउन के साथ एलवाई जुड़े तो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ एलवाई जुड़े तो होता है एडवर्ब। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। आगे बढ़ते हैं,
चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे ना कमेंट्स ऐसे ऐसे जब खतरनाक खतरनाक आते हैं तो बताओ हंसी कैसे ना आए। प्रोड्यूसर फोन कर रही है, सर मैम का फोन आ गया क्या? किधर वाली सर, रिपीट प्लीज। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, पता नहीं कैसे उसका साइलेंट आज करना रह गया होगा गलती से, कोई बात नहीं। देखो अब नाउन के साथ एलवाई जोड़ो तो बनता है एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ो तो बनता है क्या? एडवर्ब। मैं समझाता हूं कैसे, मैं समझाता हूं किस प्रकार से। देखो मैंने यहां पे कुछ वर्ड लिखा, समझ रहे बच्चे गौर से, यहां मैंने वर्ड लिखा पहला ब्यूटीफुली। क्या लिखा बेटा, साथ साथ में नोट करना। पहला वर्ड लिखा ब्यूटीफुली, स्मार्टली, काइंडली, ब्रेवली, फ्रेंडली, नेचुरली, ऑयली, मंथली, स्ट्रॉन्गली, ऑनेस्टली, और ईयरली। ठीक है चलो, आप जरा देखते हैं कि इनमें से आपका कौन कौन सा वाला एडजेक्टिव है और कौन कौन सा एडवर्ब है, कौन कौन सा एडजेक्टिव है और कौन कौन सा एडवर्ब है। ठीक है चलो मैं बता देता हूं अब। अरे वाह वाह, तो नए नए बच्चे भी आए। रजनी स्माइली नहीं स्माइली बना के भेज रही हो, स्मार्टली नहीं स्मार्टली। देखो स्मार्टली को लिखते हैं अंकित। अंकिता क्या पूछ रहे हैं अंकिता? हाँ बेटे बहुत बढ़िया, तुम्हारे डिलीट करने से पहले हमारे सत्तू साहब पढ़ चुके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके, अब तुम्हें करें हम ब्लॉक, समझे बात को? तुम बेटे बहुत बहुत बेटा बहुत टैलेंटेड हो गए हो, है? चलो देखो ब्यूटीफुली में से अगर हम एलवाई को हटाएं, ध्यान से समझिएगा बड़े सारे बच्चे, अगर हम एलवाई को हटाएं क्या बचा? ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? खूबसूरत, किसी की विशेषता होती है। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि श्रुति बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसका मतलब हम उसको मतलब बता रहे हैं कि हाँ भाई वो उसके मतलब उसका है विशेषता की खूबसूरत है। जैसे तन्नू है, प्रीति है, अर्णव है, प्रदीप है, सत्तू है, लड़के नहीं है, लड़के मतलब ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, उसे हटा दो। ठीक है, काजू है, श्रेया है, पुष्पा है, ये सब ब्यूटीफुल है। पुष्पा में अब डाउट होता है थोड़ा सा, क्योंकि पुष्पा तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है ना, दोनों हो सकते हैं। क्योंकि जब से पहले तो हमें ये लगता था पुष्पा सिर्फ लड़की है, लेकिन जब से मूवी आई है कि मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, तब से जो है पुष्पा नाम से सोचना पड़ता है, भैया लड़के वाले हो कि लड़की वाले हो, सोचना पड़ता है। चलो देखो अब यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एलवाई जोड़ा तो बिल्कुल आप सीना तान के बोल सकते हो कि सर ये क्या निकला? एडवर्ब। अच्छा अब स्मार्टली, अब स्मार्टली जो वर्ड है बेटा हमारे पास, देखो यहां पे जो हमने लिखा स्मार्टली, तो यहां पे देखो हमारे पास एलवाई हटाओ तो क्या बचा? एलवाई हटाओ तो क्या बचा? तो एलवाई हटाओ तो बचा स्मार्ट। ठीक है स्मार्ट, कुछ बच्चों ने स्मार्टली लिखा था, नालायक हो एक नंबर के। ठीक है यहां जब स्मार्टली लिखा है तो तुमने स्मार्टली क्यों लिखा था? है एक नंबर के गधे बच्चे। हाँ नहीं तो अच्छा, वो कह रहे सर मैं पक्का लड़की हूं। ठीक है पुष्पा, मतलब तुम तो लड़की हो, मतलब ऐसे कह रहा हूं कि अगर कोई पुष्पा नाम बताए तो थोड़ा डाउट होता है आपके, भैया लड़का वाला पुष्पा कि लड़की वाली पुष्पा, राइट? चलो देखो तो स्मार्टली एलवाई हटाएं तो स्मार्ट, स्मार्ट जैसे लड़कियां ब्यूटीफुल होती है उसी तरीके से स्मार्ट। ठीक है जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल वेदर, है ना, ब्यूटीफुल के साथ नाउन लगा पा रहे हो तो आप पहचान गए कि सर ये क्या है हमारा, तो ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव था। उसी तरीके से स्मार्ट के साथ नाउन लगाओ, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट मैन, स्मार्ट पर्सन, स्मार्ट आर्केसर, स्मार्ट आर्केसर, स्मार्ट आर्केसर, स्मार्ट आर्केसर, बन रहा है कि नहीं बन रहा? नाउन कितने तरीके के, ठीक है बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव था, एलवाई लगाया तो बन गया एडवर्ब। और आगे बात करते हैं, काइंडली में से एलवाई हटाया तो बच्चा काइंड एडजेक्टिव होता है, काइंड बॉय, काइंड मैन, काइंड पर्सन, काइंड पीपल, काइंड किंग, है ना, यानी कि एडजेक्टिव प्लस एलवाई बना एडवर्ब। और आगे बात करते हैं, एलवाई हटाओ क्या बच्चा? ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ब्रेव मतलब बहादुर, अब बहादुर पानी लिए रे वो वाला बहादुर नहीं, ठीक है, तो बहादुर जैसे कि ब्रेव बॉय, ब्रेव मैन, ब्रेव पर्सन, ब्रेव अपना सत्तू, है ना, तो ब्रेव सत्तू ऐसा डेली मच्छर मार देता है। ठीक है तो ब्रेव यानी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस एलवाई
एडवर्ब, ठीक है। और आगे बात करें, फ्रेंडली में से एलवाई हटाओ तो क्या बचा सर जी, फ्रेंड। फ्रेंडली में से एलवाई हटाओ, ठीक है, तो क्या बचा, फ्रेंड। अब जैसे फ्रेंड जो वर्ड होता है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, उसी तरीके से फ्रेंड, तो बाकी जितने भी वर्ड्स है, फादर है, फादर है, ब्रदर है, तो उसी तरीके से नाउन है सारे, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, ये क्या बन गया, नाउन बन गया। तो फ्रेंड नाउन होता है, हाँ कि ना, बोलो यस, ठीक है। तो नाउन होता है, नाउन के साथ हमने एलवाई जोड़ा तो क्या बन गया, एडजेक्टिव। समझ गए बात को, ध्यान रखना, अभी तक वो एडवर्ब आया, ये एडवर्ब, 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 ये पहला आया एडजेक्टिव। अच्छा, बाकी अपने आप करके बताओ भैया, मैं ही सारे बता दूंगा तो आप क्या करोगे, अपने आप बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, लिख के बताओ, यस। अरे प्रवीण सिंह जी, ऐसा मत करो भाई, ठीक है। अगर आपका कोई एग्जाम ओरिएंटेड अगर कोई चल रहा है दूसरे सब्जेक्ट का और आपका वो वहां पे वीक है पार्ट, तो मैं तो यही कहूंगा कि उसको पहले आप प्रायोरिटी दीजिए, है तो हमारे एग्जामपुर का ही ना, ठीक है। नेचुरली एडवर्ब है, मंथली एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब, एडवर्ब, अरे वर्ड भी लिखो ना साथ में बच्चों, तो मैं समझ पाऊंगा आप किसको कह रहे हो। आप एक काम करो, सिर्फ एडजेक्टिव वाले लिख दो, बाकी बच्चे सारे एडवर्ब हैं, सिर्फ एडजेक्टिव ढूंढ लो। दिलशाद गार्डन का आंसर आ गया, रितिका, प्रिया, प्रवीण, पिंपल, पुष्पा, दिलशाद, अंकिता, गौतम, हिमांशी, दीवानी, हर्षिता, सुप्रिया, भावना, उसके बाद निकिता, राजू श्रीवास्तव, श्रद्धा, चार बूंदों वाला, प्रिया, सचिन, दिलशाद गार्डन, दीवानी, अंकिता, हिमेश रेशमिया, श्रेया, कीर्ति, ठीक है, पुष्पा, टुन्नू, प्रवीण, देवेंद्र, स्काउट मोटिवेशन, ओ गजब, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भागना का आंसर क्या आया है, स्ट्रांगली एडवर्ब, बाकी सब एडजेक्टिव है। अरे पुत्री, देखो नेचुरली में से एलवाई हटाओ, क्या बचा, नेचर बचा कि नेचुरल बचा, ये सिखाई हुई चीज है, कितनी गलती कर रहे हो। नेचुरली में से एलवाई हटाओ तो नेचर बचा या नेचुरल बचा, नेचुरल बचा। नेचर नाउन होता है लेकिन नेचुरल तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब बचा। और आगे बढ़ते हैं, ऑयली बन गया एडजेक्टिव, क्योंकि अगर आप इसमें से एलवाई को हटाते हो, अगर आप इसमें से एलवाई को हटाते हो तो क्या बचेगा, ऑयल बचेगा, ठीक है, ऑयली, ऑयल, क्योंकि एलवाई का साउंड हटाना है। नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव, मंथली में से एलवाई हटाया, नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव। उसके बाद और आगे बढ़ो, स्ट्रॉन्गली में से एलवाई हटाया तो एडजेक्टिव प्लस एलवाई, एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब बचा। तो ऑनेस्टली में से एलवाई हटाया तो क्या बचा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है सर जी, एडजेक्टिव होता है, जैसे ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट किंग, है ना, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब बना। उसके बाद और आगे बढ़ो, ईयरली, अब ईयरली में से एलवाई हटाया तो नाउन प्लस एलवाई एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर हुई, हाँ कि ना, एक बार कॉमेंट करके बताओ, डन डना डन। अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो अब वापिस आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन पे, आपके ये रहा, हाउ मेनी बुक्स डू यू पब्लिश ईयरली। तो सर गड़बड़ कहां है, ठीक तो है फिर, चलो ठीक है, ईयरली हमने गलती से एडवर्ब बोलिया था लेकिन क्या निकला, एडजेक्टिव। तो सर क्या ये सेंटेंस गलत है, तो गलत है, यहां गलत है, क्यों गलत है, ये वाला पार्ट आपका गलत है, ये गलत है। अब ये बताओ कि ट्रिक बताऊं कि लॉजिक बताओ, ट्रिक जानना है कि लॉजिक, ठीक है। सर बगल में डीजे बज रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही आपकी, हाँ तो बगल में डीजे बज रहा है तो डीजे, डीजे को या तो अपने से दूर कर दो या तो आप डीजे से दूर हो जाओ, हैं, क्योंकि भैया अब ऐसा तो है नहीं कि हम गला फाड़ करके चिल्लाएं और आपके एकदम फोन से बाहर निकल जाए और फिर आपको हम सामने बैठ के पढ़ाए, हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। चलो देखो, अब यहाँ पे जरा समझिएगा कि यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा इसको, ये गलत है, ये आपका गलत है बेटा, ये वाला पार्ट आपका गलत है, इसको अब ये आप कर देंगे, काट के हटा देंगे। अब इसका जो सही वाला आंसर होगा वो क्या होगा और क्या से जरूरी कि वो जो आंसर होगा वो क्यों होगा, गौर से सुनना। देखो ट्रिक और लॉजिक दोनों बताते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिया हमने कि अपने सत्या, ये तो फेमस हो गए हमारे, नहीं सत्या और रोहित, ठीक है, RS 100, सत्या और रोहित, ये सुबह सत्या और सुबह दिन में रोहित, सॉरी उल्टा बोल दिया, सुबह रोहित और शाम में सत्या, ठीक है। अब भाई साहब दोनों एक से बढ़कर एक पर्सनैलिटी, और दोनों कसम से, हाँ ये है कि
एक बड़ा खुश रहता है और एक बड़ा टेंशन में रहता है, बस और कोई बात नहीं है। चलो देखो, सत्या रॉट अ पोयम, सत्या रॉट अ पोयम, ठीक है, सत्या ने लिखी एक पोयम किसी की याद में, ठीक है, और उसके बाद में। अगला एक और लिखते हैं, रोहित का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रोहित एडमायर्ड हर, ठीक है, एक और लेते हैं, आप में से ले लें किसी का, चलो दिलशाद गार्डन का ले लेते हैं, दिलशाद गार्डन का, चलो दिलशाद केम यस्टरडे, एक और ले लेते हैं, शी गेव मी, अरे पूरा 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 लिखने दो ना, अभी फिर अभी हसीन छूट जाती दो चार की, चलो तुम सोचते बहुत हो, तुम है सोचते बहुत हो। अगला एक और, ही रन फास्ट, सॉरी थोड़ा सा दूसरा लेते हैं, ही वॉक्ड केयरफुली, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, लास्ट लास्ट ले लेते हैं, चंदू का ले लेते हैं, चलो बहुत परेशान हो रही है, तो चांदनी चांदनी स्टोल माई पेन यस्टरडे, ठीक है, चोर कहीं की पेन वापिस दे देना मेरा, बताए बहुत मारे, पांच रुपए वाला पेन था मेरा, पांच रुपए का खरीदा था, पेन चुरा ली चोरनी, चलो पेन चुरा ली चोरनी कहीं की। देखो अब यहां पे हमारे पास सभी के अंदर कोई ना कोई वर्ब आ रहा है, जैसे कि यहां पे रॉट आया, एडमायर आया, केम आया, गिव आया, वॉक्ड आया, और स्टील स्टोल स्टोरन का स्टोल, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बेटा कि इसमें हमारे पास सही या गलत क्या है। अब जैसे पहला वर्ड आ रहा है सत्तू, ठीक है, अब सत्य हमारे पास सब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पे हमारे पास ये सारे वर्ब आ गए, ये सर आ गए, ये सारे के सारे वर्ब अवेलेबल हैं, सबसे आगे जो भी आता है वर्ब से पहले जो लिखा हो उसे कहते हैं सब्जेक्ट, ये सारे जो भी है ये सारे क्या है हमारे वर्ब है, ठीक है, और वर्ब के बाद जो आ जाए उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे बोलो, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट बोलेंगे बेटे, बहुत बढ़िया शाबाश, बिल्कुल गलत आंसर है, तो वर्ब के बाद आने वाले सारे शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होते, ध्यान रखना, आपके सत्तू फंस गए इस बार, ठीक है, अपने आप ऑब्जेक्ट बोल गए, तो याद रखना वर्ब के बाद आने वाले सारे शब्द ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो सर क्या होते हैं, गौर से सुनो, इंग्लिश में जितने भी वर्ब होते हैं अपने से आगे वाले शब्द से कुछ ना कुछ तरीके से आंसर कैरी करेंगे, कैसे, जैसे यहां पे हमने कहा कि सत्तू रॉट, अब सत्तू ने लिखा, अब ये आंसर करेगा व्हाट का, कि भैया सत्तू ने लिखा व्हाट, क्या लिखा, क्या लिखा, अ पोयम, व्हाट का आंसर कर रहा है। अगला देखो, रोहित एडमायर्ड, रोहित ने तारीफ करी, वुम किसकी तारीफ करी, किसके तारीफों के वो पुल बांध रही, पुल बांध रहा है, तो वुम किसका, ठीक है, वुम का आंसर आ रहा है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, दिलशाद केम, दिलशाद आया, तो ये वैन, ठीक है, आन दो, यही पटक के पिटाई करेंगे इसकी, है ना, तो चलो आन दो। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, शी गेव मी, इतना हटा के पढ़ो, शी गेव मी, उसने दिया, क्या, किसको दिया, मुझे, ठीक है, तो तू एकदम बिल्कुल हैरान हो रहे हैं कि सर जी क्या दिया, तो शी गेव मी, ये वुम का आंसर दे रहा है कि सर क्या दिया, और किसको दिया, और फिर क्या दिया, पूरी बात जान लो, क्या दिया सर जी, व्हाट दिया, क्या दिया, तो पेन दिया, ठीक है, ओके। तो बेटा यहां पे आपको एक चीज समझनी चाहिए कि हमारे पास ऐसा कोई भी वर्ब, ऐसा कोई भी वर्ब जो या तो, ऐसा कोई शब्द जो या तो व्हाट के रेफरेंस में आंसर करे, या तो व्हम के आंसर में रेफरेंस में आंसर करे, उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, मतलब अगर वो व्हाट के या व्हम के फॉर्म में आंसर करता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास ये व्हाट का आंसर कर रहा है पहला, तो आप कहोगे कि सर ये ऑब्जेक्ट है हमारा। सेकंड वाला व्हाट का आंसर कर रहा है, नो सर। व्हम का आंसर कर रहा है, यस सर, तो आप इसको भी कहेंगे कि सर ये भी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाओ, ये बताओ कि जो यस्टरडे लिखा है क्या ये व्हाट को आंसर कर रहा है, नहीं। क्या ये व्हम को आंसर कर रहा है, नहीं, ठीक है। तो भैया अब ना ही ये व्हाट का आंसर कर रहा है, ना ही ये व्हम का आंसर कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ो, यहां पे देखो, ये व्हम का आंसर कर रहा है, यस सर, ये भी ऑब्जेक्ट है। ये व्हाट का आंसर कर रहा है, यस सर, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने बस शी गेम में लिखा, तो उतने में जो है ये जितने भी लड़के हैं सारे परेशान है, सर जी पूरा बोलो, अब पेन, ठीक है, पेन तक दिया।
उसके बाद और आगे बढ़े तो अपने आप जान पाओगे कि व्हाट व्होम वेयर व्हाई हू सबका आंसर। अब सर सवाल यह है कि जो व्हाट या व्होम को छोड़ दे उसको क्या कहेंगे, जो व्हाट या व्होम को छोड़ करके बाकी का आंसर करे सर वो क्या होता है, वो भी जरा बता देते तो बड़ी कृपा होती है ना। चलो अभी बताएंगे, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि कसम हमारे सत्तू की सारी चीजें क्लियर की जाएगी खोल करके, ठीक है, खोल करके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अब देखो एडवर्ब जो है, एडवर्ब वो होता है जो व्हाट या व्होम को छोड़ करके जो भी आपका रेस्ट अदर्स यानी कि रेस्ट ऑल जो बच गया आपका, रेस्ट ऑल जो आपका बच गया जैसे वाई है, वेयर है, वैन है, हाउ है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, जितना भी है यानी कि व्हाट और व्होम को छोड़ करके आपका जो भी बच जाए वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं बच्चे, याद रखना, एडवर्ब कहलाता है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट वाला आया था आपका किधर गया, फर्स्ट वाला आया था ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सेकेंड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, थर्ड वाला किसका आंसर कर रहा है सर जी, येस्टरडे, व्हेन का आंसर कर रहा है, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब। उसके बाद फोर्थ वाले में दोनों ही ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ो फाइव वाले पे, ही वॉक्ड केयरफुली, ये किसका आंसर कर रहा है सर, हाउ का आंसर कर रहा है, हाउ का आंसर कर रहा है ना, तो ये भी क्या बन गया हमारा, एडवर्ब बन गया, क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। उसके बाद यहां पे आ जाओ चांदनी, अब देखो ये चांदनी का एग्जांपल फिर आ गया है, हाँ अब ये चांदनी का एग्जांपल फिर आ गया, चोरनी कहीं की, अब चांदनी ने चुराया, क्या चुराया, मेरा पेन चुरा लिया, ठीक है, तो चांदनी स्टोल, चांदनी ने चुराया, क्या चुराया, मेरा पेन चुरा लिया, यानी कि यहां पे हमारे पास ये व्हाट का आंसर आ रहा है, हाँ कि ना, ये व्हाट का आंसर आ रहा है, ओके। उसके बाद ये यस्टरडे जो है, यस्टरडे जो है ये व्हेन का आंसर दे रहा है, यस और नो, ये व्हेन का आंसर दे रहा है, वो व्हाट का आंसर कर रहा है, ये व्हेन का आंसर कर रहा है, तो बस आप समझ गए, ये व्हाट का आंसर कर रहा है, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये व्हेन का आंसर कर रहा है बन गया एडवर्ब, हाँ कि ना। अच्छा इसमें याद, एक बात और याद रखें, एक बात और याद रखें, एक बात और याद रखें बच्चे कि व्हाट का जो आंसर देता है उसे ऑब्जेक्ट और इसको भी बोलते हैं, लेकिन जो व्हाट का आंसर देता है बेटा, व्हाट का जो आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है बेटा, ये डायरेक्ट होता है, क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो व्होम का आंसर देता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, लिख लेना सारे लोग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद रखो जल्दी से इसको लिख लो, छाप लो, याद कर लो या गुदवा लो, याद रहेगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जो भी वर्ड व्हाट का आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और व्होम का आंसर देता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब चोर मेरा पेन वापस दे देना तुम, ठीक है, चोर कहीं की चंदू, चलो सर ओनली व्हाट एंड व्होम वाला ही ऑब्जेक्ट होगा, हाँ बेटा बिल्कुल, जब पहली बार सीखोगे ये वाला कॉन्सेप्ट, सर रोहित भी आ गया, क्या बात है, आओ पुत्र तुम्हारी फिर बात है चालू, सर चोर बना दी चलो छाप लिया, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे आप आराम से ये भी बता पाएंगे कि कौन सा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, अब मुझे तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, सारा अपने आप कर सकते हो आराम से, बोलो यस, कर सकते हो ना, वेरी गुड। एक इंटरेस्टिंग बात यहां बताऊं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इस बात को जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूं ना, इस बात को या तो याद कर लो, छाप लो, लिख लो, या फिर यहां गुदवा लो, ध्यान रहेगा। जो भी शब्द व्हाट या व्होम का आंसर देते हैं, ऐसा वर्ब, ऐसे वर्ब जो या तो व्हाट का आंसर दे, या तो व्होम का आंसर दे, या तो दोनों का आंसर दे, सिर्फ उन्हीं का पैसिव वॉइस बन सकता है। मैं फिर से बोलूं, ऐसे वर्ब जो व्हाट या व्होम का आंसर दे सकता है, सिर्फ उन्हीं के पैसिव वॉइस बनते हैं। डाउट है, एक काम करो, इन सबके पैसिव बनाने की कोशिश करो, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही दिमाग में पहले का पैसिव बनाओ, बन जाएगा यस सर, बन जाएगा, क्योंकि इसका आंसर व्हाट या व्होम में आ रहा है, यस सर बन जाएगा, यानी कि पहले का पैसिव बन जाएगा, यस सर बन जाएगा, सेकंड का पैसिव बन जाएगा, यस सर बन जाएगा, थर्ड का कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी सर मार लो, बनेगा क्या, कोशिश कर लो, फोर्थ का बनेगा, यस सर बन जाएगा, फाइव का कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी बना लो, बनेगा क्या, सर नहीं बनेगा, और लेकिन सिक्स का बन जाएगा। था ना इंटरेस्टिंग, जल्दी से एक बार नोट कर लो, ठीक है, यानी कि वही वर्ब का पैसिव बनता है जिसका आंसर व्हाट या व्होम में आए। चलो जल्दी से नोट करो, न्यू सीखा, बहुत बढ़िया। आप ना किसी भी किताब को उठा लो, किसी भी किताब को उठा लो दुनिया की, इंग्लिश की, ठीक है, आप उसका ना वॉइस वाला चैप्टर खोलना, और वॉइस का जितना भी क्वेश्चन होगा ना, जितने भी एग्जांपल होंगे,
जितने भी एग्जाम्पल होंगे सारे वट या वुम वाले होंगे, गारंटी दे रहा हूं 101% सत्या की कसम। ठीक है, असत्य हमारे घबरा जाते हैं, कहते सर मुझे खांसियां क्यों आ रही है आजकल, कुछ गलत तो नहीं बता दिया आपने सर, खांसी आनी शुरू हो जाती है। चलो टेंशन नहीं लो, चलो क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो देखो इसके पीछे ना लॉजिक बहुत अच्छा होता है, तगड़ा सा छुपा होता है। मैं आपको अभी इसके बाद वर्ब आएगा ना तो सिखाऊंगा, इसके पीछे बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट छुपा होता है, क्यों ऐसा होता है कि उसका बनेगा, कारण क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है पैसिव वॉइस में, इस वजह से। ठीक है, बिल्कुल, खांसी आने लग जाती है हमारे इसको तो। सर जी मेरी कसम मत खाया करो, बहुत हो गया, अभी शादी भी नहीं मेरी और आप मेरी कसमें खा रहे हो, बताओ यार हद है। चलो डंडनाडन मौज कर दी, अब आ जाओ कि सर यहाँ पे सब ये सारी बातें क्लियर है, लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे फिर हमारा ये आंसर गलत क्यों था और इसकी जगह आएगा तो क्या आएगा। चलो अब आते हैं वापस मुद्दे पे। अब आपको मैंने बेसिक जो सिखाना था वो सिखा दिया, जो बेसिक ज्ञान देना था वो दे दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, हाउ मेनी बुक्स डू यू पब्लिश ईयरली, अब ये ईयरली एडजेक्टिव था, ये कंफर्म है आपको 100%। अब हाउ मेनी जो है बेटा, मैंने आपको पीछे बोला व्हाट और व्हम को छोड़ के, व्हाट को छोड़ के और व्हम को छोड़ करके सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब में आंसर लेते हैं, व्हाट और व्हम को छोड़ करके सारे एडवर्ब। तो बेटा ये हाउ मेनी तो कुछ खुद ही हमारे पास एडवर्ब लेने वाला आ रहा है, और ये पीछे क्या मिल गया गलती से, एडजेक्टिव मिल गया। तो भैया एडजेक्टिव नहीं चाहिए, नहीं चाहता है, अब इसको क्या चाहता है, अब इसको चाहता है एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है इसका, एडवर्ब होता है इन अ ईयर, क्या होता है इन अ ईयर, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, समझे। हाउ मैनी बुक्स डू यू पब्लिश इन अ ईयर, एक और ले लें, जैसे आप लोगों ने ऐसे सुना होगा सेंटेंस, हाउ मैनी क्वेश्चंस डज ही सॉल्व डेली, वो एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेती है, कितना सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, तो हाउ मैनी क्वेश्चंस डज ही सॉल्व इन अ डे, ऐसे बोलना चाहिए इस प्रकार से। और इतना ही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, हाउ मच डू यू अर्न मंथली, सुना है, हाउ मच डू यू अर्न मंथली, इस तरीके का सेंटेंस सुना होगा आप लोगों ने, तो गलत होता है, याद रखना हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ, ऐसे होना चाहिए। चलो क्लियर हो गया, समझ आ गया, अरे वाह बहुत बढ़िया, तन्नु कुमारी क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डन डना डन। अगर आप चाहते हो कि सर इसकी भी मुगली घुट्टी दे दो तो जान लो जरा क्या होता है। देखो अगर किसी भी सेंटेंस में, ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट बताया आपको पूरे लॉजिक के साथ, अब आ जाओ इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या होती है कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हाउ मैनी या हाउ मच से हो जाए, हाउ मैनी या हाउ मच से हो जाए, तो बेटा याद रखना उस सेंटेंस को ना आप इस पे खत्म मत करो, उस सेंटेंस को आप इस पे खत्म मत करो, किस पे खत्म मत करो, तो ये वर्ड्स है आपके लिख लेना, आर्ली हो गया, ठीक है, वीकली हो गया, डेली हो गया, मंथली हो गया, ईयरली हो गया, ठीक है, मतलब इन सब पे आपको खत्म नहीं करना, खत्म किस पे करना है, तो इस पे करना है, मतलब ये सारे हो गए आपके एडजेक्टिव, इसको हटाओ, आपको चाहिए एडवर्ब, तो कैसे लगाओगे, इन एन आर। अब सर ये एडवर्ब कैसे बनता है, ये वेट करो, एडवर्ब के टॉपिक में बताऊंगा। इसके बाद इन अ वीक, यहां पे इन अ डे, यहां पे इन अ मंथ, यहां पे इन अ ईयर, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इस प्रकार से आपको करना चाहिए, जल्दी नोट कर लो एक बार, जल्दी एक बार कमेंट कीजिए, क्लियर है, यस और नो। विक्रम कुशवाहा भी आ गए, बहुत बढ़िया विक्रम जी, जल्दी आइए आप भी, ठीक है ठीक है, ओके। दिलसाद गार्डन, वीकली डेली मंथली ईयरली, हाँ अब तो समझ में आ गया ना कैसे था वो। अब देखो यहां पे
समझ गई सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो एडजेक्टिव जो होता है ना बेटा, इसके बड़े बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि आपको एडजेक्टिव आधा तो आप नाउन में सीख जाते हो, थोड़ा बहुत आर्टिकल के पार्ट में आता है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव का तो टॉपिक है खुद एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब के टाइम में भी ये काफी करेक्टिविटी मिलती है इसकी, और कंजंक्शन में तो है ही। यानी कि बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो सबसे रिलेटेबल होता है, बहुत सारे जगह पे आपको इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे प्रोनाउन पढ़ाया तो प्रोनाउन के सीक्वेंस में मैंने आपको बताया कि पूरी डिटेल में अगर आपने वो पढ़ा है तो इसका 90% आपको वहां गया था, समझे बात को, 90% आपको वहीं क्लियर था, और जो बचा पार्ट था वो यहाँ पे हमने आपको बताया। अच्छा एक बात और कि अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी बैच एनरोल नहीं किया है या आपका कोई यार दोस्त भाई बंधु ऐसा कोई भी है तो बेटा ये मौका ज्यादा टाइम तक नहीं बचा है, ये 50% का अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, विवेक सर ज्यादा खुश हैं शायद आप लोगों से, तो 50% का डिस्काउंट ऑफर अभी चल रहा है। एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और किसी भी कोर्स पे आप पाइए 50% का ऑफ, और आपको क्या कोड लगाना है तो सुपर 50 SUPE सुपरमैन वाला, ठीक है सुपरमैन वाला वो सुपर 50, ठीक है। चलिए सर लव यू दिल से, अरे वाह धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अरे डोंट वरी सत्तू जी आपको भी बोला है, सत्तू जी परेशान हो रहे हैं, चलिए डन क्लियर है बहुत खूब। चलो बेटा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो इसके बाद ना देखो हम जब मैं आपको ये फिलहाल इसका आंसर पहले निपटा रहे जल्दी से, इसके बाद जब आपके टॉपिक और आगे बढ़ेंगे ना और आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां पे और भी चीजें खुल करके क्लियर आएगी सामने आएगी कि इसके बाद बहुत सारी और भी चीजें होती है जो आप लोगों को जाननी चाहिए, जरूरी है ताकि आप एडजेक्टिव से कनेक्टिविटी कर पाओ। इसमें ना कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जैसे कि इसमें आपको आपने देखा होगा, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, लव यू ऑल, लव यू श्रुति, लव यू आदित्य, सभी को ठीक है धन्यवाद दिल से दिल से दिल से श्रुति। चलो अरे बस 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 पूजा सरकार देख रहा हूं। हाँ सुनो, जैसे लिटिल फ्यू, हाँ लिटिल आ लिटिल द लिटिल फ्यू अ फ्यू द फ्यू, ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, अलग से पढ़ाएंगे उसको। चलिए अब क्लास का टाइम ओवर हो गया है, जल्दी से इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है इसको। अभी इसके बाद सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है और सर यानी कि आपके प्यारे मनीष सर अभी आपके सामने पधारेंगे और सर बहुत ही आज धमाकेदार सेशन और पूरी लंबी सेशन लेने वाले हैं आज, ठीक है। और सत्तू के लिए भी कुछ आया है, सत्तू जी देखो आपके लिए बच्चे कुछ लिख रहे हैं, आप खुद पढ़ लीजिए, अरे सत्तू के लिए भी लव यू, चलो ऊपर निकल गया आप तो। देख लिया, अरे वाह बहुत बढ़िया, देखो खुश हो गए, कितने दिन हो गए बैच बेटा। आप ना एक बार पुराने वाले पूरी प्लेलिस्ट देख लो, अगर आप नए हो ना इस बैच में तो आप ना एक बार टेलीग्राम पे, आप एक बार टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दीजिएगा तो हम आपको जो है उसकी पूरी प्लेलिस्ट दे देंगे, खुशी खुशी सैनी जी पूरी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप पूरी वो देख लीजिएगा, ठीक है। आप तो खुश हो, ठीक है बहुत बढ़िया। तो बच्चे यहाँ पे हम क्लास को सेशन को ऑफ कर देते हैं, जल्दी से एक बार सर वापस आ जाएं, फिर एक बार सर को यहाँ बुला करके इंट्रोड्यूस कर देंगे आपको, और उसके बाद जो है अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। ज्यादा देर का गैप नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए आपको, ज्यादा से ज्यादा आपको हाँ देखा मैंने वह एडिटर सर जी, अच्छा 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 बहुत बढ़िया। तो 5 मिनट का गैप होगा, उसके बाद सर की धमाकेदार क्लास। सर एक बार प्लीज आ जाइए, ठीक है, और एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि क्या आज टॉपिक स्पेशल होने जा रहा है। चलिए आप सभी लोग का मैराथन होगा, ठीक है, 9 बजे से लेके अब रात भर जागने की तैयारी कर लो, 5-10 मिनट में जो भी खाना होना खा लो, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं, ठीक है ठीक है। ज्यादा गैप नहीं लेंगे बेटा, सिर्फ 5 मिनट का गैप, और उसके बाद सारे बच्चों को आप तो आओ ही आओ, साथ में अपने सारे दोस्तों को बुला दो, गजब का सेशन होने वाला, ठीक है। मिले फिर अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद एंड लव यू ऑल।